Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. For you know any query regarding SSB courses you can contact us on telegram channel. So guys today we are going to cover an important topic which was in news and that is related to India Norway Maritime Corporation. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of group discussion and lecture. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज इन न्यूज रिसेंटली क्या हुआ है एट नॉर्वे इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मेरेटाइम मीटिंग हेल्ड हुई है मुंबई में इंडिया सी नॉर्वे जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उनके पास मेरेटाइम सेक्टर में और इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफ सेक्टर लार्ज पूल सी जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे के नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स बनते हैं उससे पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया ने प्रिपेयर किया था मेरी इंडिया विजन ट्वेंटी थर्टी जिसमें आइडेंटिफाई किए गए थे मोर देन वन फिफ्टी इनिशियटिव अक्रॉस वेरियस मेरी सेक्टर्स जैसे की पोर्ट्स शिपिंग्स वॉट

फॉर शिपिंग पर्पज नोवेरियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम जो कि सक्सेसफुल रहा और जिसने एक्सपीरियंस किया और एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है शेयर मीटिंग में इंडिया नॉर्वे दोनों पार्ट है ग्रीन वॉइज ट्वेंटी फिफ्टी प्रोजेक्ट के ओके okay.

की गई है बाय इंडियन रिसाइकलर्स

मेरी टाइम इंडिया समिट इन नवंबर 2020 ट्वेंटी जो मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 है वो फॉर्मुलेट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद ओवर 350 प्लस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स जिसमें आपके पोर्ट्स शिप यार्ड इनलैंड वाटरवेज ट्रेड बॉडीज एसोसिएशन नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड लीगल एक्सपर्ट्स आते हैं सारे इंडियन मेरा टाइम सेक्टर जो कि कॉम्प्रीहेंसिव एफर्ट है to define and meet national maritime objectives. ये डेवलप करता है बेस्टर्न क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये ड्राइव करेगा एक्सचेंज टू एक्सचेंज लॉजिस्टिक एफिशियंसी एंड कॉस्ट कॉम्पिटेटिवनेस एनहांस करेगा लॉजिस्टिक एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये स्ट्रेंथन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स यह एनहांस करेगा ग्लोबल शेयर इन द शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रिसाइकलिंग enhanced cargo and passenger movement through inland waterways is also one of the major goals. it would promote ocean, coastal and river cruise sectors. ye enhance karega india ka global statutory and maritime cooperation ko. it would lead the world in safe, sustainable and green maritime sector. it would become a top seafaring nation with wo, a world-class education, research and training. Kaun the countries jinka, ye 2030 ka aim hai. that means india. की टारे अगर हम बात करें ट्वेंटी थर्टी की तीन मेजर पोर्ट जिनमें थ्री हंड्रेड मिलियन टन पर एनम कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी मोर देन सेवेंटी फाइव ऑफ इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट हैंडल द इंडियन पोर्ट मोर देन एटी फाइव ऑफ द कार्गो हैंडल एट मेजर पोर्ट बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड अदर ऑपरेटर्स एवरेज अराउंड टाइम जो होगा दैट वुड बी लेस देन 20 आवर्स ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से 10 टॉप uh, 10 इन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर होगा मोर देन 15 लाख एनुअल क्रूज पैसेंजर्स वुड बी देयर मोर देन 60% शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट मेजर पोर्ट्स वुड बी देयर आफ्टर अटेनिंग द टारगेट 2030 सो so गाइस that was all I hope you like the video if you like it do like it share it and subscribe our youtube channel ssp success thank you bye bye take care